पत्नी, मैंने जन्मदिन पर गिफ्ट में गहने मांगे और तुमने दिया खाली डिब्बा। कितनी शर्म आई मुझे फ्रेंड्स के आगे। रामू, शर्म ही तो औरतों का गहना है पगली। शर्ट क्यों की? हाँ तो देखो पत्नी, तुम्हारी शर्ट में तो एक भी बाल नहीं मिलता। पति, हाँ तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ कौन है वो टकली। पत्नी ने पति से पूछा, पूरा दिन क्रिकेट क्रिकेट में घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, कमेंट्री के अंदाज में, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। पत्नी, ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियाँ लिखते हो, ये तेरी जुल्फे है जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? पति, पगली। पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा, सुनो जी, आपको आरती याद है ना? पति, हाँ, वो पतली सी काली आंखों वाली सुंदर सी, वही ना? फिर पहले पति की पूजा हुई और बाद में सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। कोई बता सकता है, जब पत्नी बच्चों को डांटती है तो बीच बीच में टेढ़ी नजरों से पति को क्यों देख रही होती है? पति और पत्नी और आशिक, एक औरत अपने आशिक के साथ घूम रही थी, उतने में उसके पति ने देख लिया और वो आशिक को पीटने लगा। औरत, मार साले को, खुद की बीवी को घुमाता नहीं और दूसरे को बीवी को घुमाने ले जाता है। ये सुनकर आशिक को गुस्सा आ गया और अब वो उसके पति को पीटने लगा। औरत, मार साले को, ना खुद घुमाने ले जाता और ना दूसरे को घुमाने देता है। पत्नी, मैंने सुना है स्वर्ग में आदमी को अप्सराय मिलती है, तो औरत को क्या मिलता है? पति, कुछ नहीं, ऊपर वाला सिर्फ दुखियों की सुनता है। पत्नी ने पति से पूछा, पूरा दिन क्रिकेट क्रिकेट मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, कमेंट्री के अंदाज में, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। पत्नी, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? पति, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। पत्नी, फिर भी कितना? पति, इतना कि दिल करता है तुम्हारी जैसी एक और ले आऊं। पति, पति ने पत्नी का हाल चाल जानने के लिए टाइप किया, कैसा है सिरदर्द? और टाइप हो गया, कैसी हो सिरदर्द? ऑफिस से छूटे 4 घंटे हो गए और पति घर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। पत्नी, शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, तो अब क्या हुआ? पति, फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से भरोसा उठ गया।